पिछले मिश्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल क्यों खड़े किए गए हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके तरफ से बीजेपी पर कई सारे बेतुके सवाल उठाए जा रहे हैं, कई सारी बातें उठाई जा रही है, जिसका अगर विश्लेषण किया जाए तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की छवि खराब करने के लिए जो है मनाई जा रही है। इसी बात पर अब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी नाराज़गी कुछ इस कदर जो है जताई है। हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी पर कई सारे सवाल अपनी तरफ से खड़े किए हैं, साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी पर भी जमकर हमला बोला है। और इस दौरान उन्होंने कहा, उन्होंने एक मुहावरा का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से वो कहते नजर आए कि सच के उठने और फावड़ियों के फीते बांधने से पहले झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगाने में सफल हो जाता है। हाल ही में आप आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जी ने बेतुका सुझाव दिया कि केंद्र और उनकी एजेंसियां मंदिरों को बुलडोजर करने की कगार पे है, यानी मंदिरों को बुलडोजर का इस्तेमाल करके गिराने की कगार पे है। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि विधायक खुद को शिक्षित करे, ऐसे मामलों पर निर्णय लेने वाली धार्मिक समिति दिल्ली सरकार के अधीन है। भूमि स्वामित्व एजेंसियां केवल यह निर्धारित करती है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है या फिर नहीं, यहां तक कि ये भी अंतिम नहीं होता है, इसके लिए भी प्रणालीगत तंत्र मौजूद होते हैं। दिल्ली सरकार में कैसे वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में धार्मिक समिति की 26 और 29 अप्रैल को दो बार बैठक हो चुकी है। इसके निर्देश पर 27 अप्रैल को संयुक्त निरीक्षण किया गया है। ऐसा लगता है कि विधायक को अपनी सरकार के कार्यों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। क्योंकि वह एक नकली आख्यान बनाती हैं। दीयू के शिक्षण संकायस में उनकी मां की पूर्व सहयोगी होने के नाते मैंने शुरू में आतिशी जी का सार्वजनिक रूप से खंडन करने से परहेज किया था। जब मैंने विरोध किया और उसके वरिष्ठ को संयम का सुझाव दिया तो मुझे ये बताया गया कि यह राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन उसने कल फिर बेतुकापन दोहराया और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा, चाहे उसे कितनी बार भी क्यों ना दोहराया जाए। इसीलिए यदि आतिशी जी इस कथा को और भी गलत साबित करती हैं तो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपने विधायक पर लगाम लगानी चाहिए। ऐसा ना करने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे रिकॉर्ड साझा करेंगे, रिकॉर्ड्स को स्थापित करेंगे। आप नेताओं को ये बात पता होनी चाहिए कि शहरी कायाकल्प एक गंभीर विषय है। दिल्ली को विश्व स्तर की राजधानी बनाने के प्रयासों के लिए समझदार विचारों की जो है ज़रूरत है, ना कि इस तरह की गलत सूचना देने वाली नकली आख्यानों और राजनीति की। उन्होंने इस तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने तथ्य सही करने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ऐसे में आपको बता दें कि कल ही की बात है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। आप विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की बुलडोजर राजनीति का असर अब मंदिरों तक पहुंच गया है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने उगाही के लिए सरोजनी नगर के 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चिपकाया है। इस नोटिस से साफ है कि बीजेपी ने सरोजनी नगर इलाके में 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुंडों की पैसे की हवस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो वसूली के लिए भगवान श्री राम और शिव जी के गुल्लक तक पहुंच गए हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी के मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकियां और उनकी गुंडागर्दी के सहने वाले नहीं हैं। आप नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार के केंद्रीय सहकारी विकास और आवास मामले के
मंत्रालय ने सरोजनी नगर के प्राचीन शिव मंदिर, साई मंदिर और शनि मंदिर समेत 4 मंदिरों पर नोटिस लगाया है। आम आदमी पार्टी की ऑफिस में मीडिया के सामने आप नेता अतिशी ने कहा कि किसी अवैध निर्माण को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, लेकिन केंद्र और एमसीडी को इसकी कोई परवाह नहीं है। इससे यह साफ होता है कि यह सिर्फ उगाही का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि 1991 में तत्कालीन एलजी ने स्पष्ट आदेश देते हुए यह कहा है कि किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाने पर निर्णय लेने के लिए अधिकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कमेटी को है, लेकिन इससे किसी भी मंदिर के मामले को धार्मिक कमेटी के पास नहीं भेजा गया है। यही तो आप देख सकते हैं कि अतिश इस तरीके से आरोप लगाती आई। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले श्रीनिवासपुरी इलाके में नीलकंठ महादेव मंदिर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई थी। नोटिस की कॉपी दिखाते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा अलग अलग मंदिरों के गेट पर ये नोटिस लगाए जा रहे हैं। अतिशी ने कहा कि सरोजनी नगर के प्राचीन शिव मंदिर और साई धाम मंदिर कम से कम 30 साल पुराने मंदिर है, जहां पर सभी स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी है, और ऐसे में इन मंदिरों को लिस्ट में शामिल करके बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि लाउडस्पीकर का मुद्दा जो है अब पहुंच चुका है दिल्ली। बुलडोजर के मुद्दे को लेकर दिल्ली में लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, एक के बाद एक बयान जो है वो सुनने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में अब हरदीप सिंह पुरी ने भी ये बात साफ कर दी है कि जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक अतिशी जी जिस तरीके से बयानबाजी करती है, उन्हें चीज़ों की जानकारी नहीं है, उन्हें अपनी ही सरकार में किस तरीके से काम चल रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें की जा रही है, इस बात तक की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अतिशी को अपने ही सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उनकी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उनकी सरकार किस तरीके से जो है आगे चल रही है, लेकिन उनको किसी बात की जानकारी नहीं है। वो सिर्फ अपने हिसाब से, अपने दावे के हिसाब से वो इस तरीके की बयानबाजी करती नज़र आती हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इससे सरकार को भी शर्मिंदगी होती है और भाजपा पर भी बेतुके बयानबाजी करके ये सवाल खड़े किए जाते हैं। वहीं आपको हमने ये भी बताया किस तरीके से जो है अतिशी ने कल ही जो है पीसी की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो है जमकर हमला बोला था, और ये हमला भी उन्होंने बोला था बीजेपी पर। बीजेपी को इन्होंने गलत बताया किस तरीके से मंदिरों पर बुलडोज़र चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंदिरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, शिव मंदिर, साई मंदिर, शनि मंदिर को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा ही मामला बड़े ही विस्तार से बताया है कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से दिल्ली में इस वक्त लाउडस्पीकर के साथ साथ मंदिरों का और बुलडोज़र का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसे लेकर अतिशी ने क्या कहा था, और अब इस पर हरदीप सिंह पुरी का क्या कुछ बयान आया है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।